गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं यूपी पुलिस स्पेशल क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, सभी पुलिस जो फोर्स होती हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर स्टेट में भी यूपी के जो भी पुलिस के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप सभी को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ऑनलाइन फ्री स्टडी की जो भी वीडियो होती है, अगर आप उन सभी वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्री स्टडी की प्लेलिस्ट पे जाकर देखेंगे, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, और अगर आप टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स टेक्निकल भी वीडियो मिल जाएंगी, आरआरबी, ईएलपी और जेई की भी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप अनअकैडमी पढ़ते हैं तो अनअकैडमी पर फ्रेंड्स आपको टाइप करना होगा धर्मेंद्र करारे, वहाँ पर जाकर आपको टॉप 500 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस प्लस आपको आरआरबी, ईएलपी और जेई के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि देखिए, पहले तो हमने 130 तक लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम 131 से क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। विधि की समानता का तात्पर्य यह है कि, तो क्या है विधि की समानता का तात्पर्य? और ये क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बहुत ही कम जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उनमें मिलते हैं या फिर आपको खरीदने पड़ते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, विधि की समानता का क्या तात्पर्य है? मोटर चाल, ऑप्शन ए, मोटर चालक, साइकिल चालक या पैदल चलने वाले के प्रति पुलिस का व्यवहार समान हो। ऑप्शन बी, तेज रफ्तार से चलने पर एक गरीब टैक्सी चालक का वाहन होने पर किसी नेता की प्राइवेट कार का नहीं। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा देखकर पक्षपात किया जाए। ऑप्शन डी सभी। तो फ्रेंड देखिएगा, ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। फ्रेंड देखिएगा, इस क्वेश्चन में जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको सामान्य ज्ञान के और प्लस जैसे कि जो आपकी सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन रहते हैं वो इसमें आपको मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट में आपको सिखाया नहीं जाता है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं? उन्हें उच्च शिक्षा देकर वे अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित करें और उनका प्रावधान करें। ऑप्शन सी, अच्छी नौकरी देकर या उन्हें सस्ती ब्याज दर पर आवास ऋण देकर। तो क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, पुलिस का कार्य क्या नहीं है? क्या नहीं है बताना है। न्याय के आदेश पर शंका करें, कानून के औचित्य पर टिप्पणी करें, अपनी जाति वालों का पक्ष लें या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 32 और इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, एक उच्च जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को उसके पक्ष में वोट ना डालने पर बुरी तरह पीटता है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे भी पीटना चाहिए। ऑप्शन बी, पंचायत में यह मामला उठाना चाहिए। ऑप्शन सी, चुप बैठ जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ने वाले हैं, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकारी वालों अधिकार वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? समानता का व्यवहार, ऑप्शन बी, भाषा, धर्म, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर भेदभाव करना। ऑप्शन सी, प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर उनके उत्थान का प्रयास करना चाहिए। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 35 और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रेंड सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये जीके क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 136, यदि किसी उच्च जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पुत्र के विवाह में उसकी बारात अपने घर के सामने से निकालने पर रोकता है तो उसका यह कार्य अपराध की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए, न्यूनसेंस। ऑप्शन बी,
लोक शांति भंग, ऑप्शन सी सॉरी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण या निवारण अधिनियम के अंतर्गत, या ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 136 है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपका आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए और आंसर आप देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिएगा क्या आंसर है, मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको सिखाए नहीं जाते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं और आप उनका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों में विशेष सुविधाएं, सामाजिक न्याय व सभी प्रकार के शोषण से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं, अनुच्छेद 16, 23, 30 या 46। तो फ्रेंड्स, जी जी के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 138, यदि युवक के माता पिता में से एक उच्च जाति का व दूसरा अनुसूचित जाति का है तो क्या नौकरी में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑप्शन ए नहीं मिलेगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत मिलेगा, ऑप्शन सी उसकी आर्थिक कमजोरी के आधार पर, या ऑप्शन डी उसकी शैक्षणिक योग्यता पर। तो क्वेश्चन नंबर 138 और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसको मिलेगा और वो भी मिलेगा किसके, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। और क्वेश्चन नंबर 139, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसे अपराध घोषित किया गया है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21। तो बताइएगा फ्रेंड्स, 139 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आप ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 136 और क्वेश्चन का अगर आंसर है सी तो 139 सी लिखिएगा, तो इसका आंसर 139 सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 140, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थान और प्रशासन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 18। तो फ्रेंड्स, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 140 है और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ड्रॉप क्वेश्चन में ऑप्शन ड्रॉप कीजिएगा। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, 141, निम्न में से अनुसूचित जाति को सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा रखा जाता है, उच्च जातियों द्वारा, सरकार द्वारा, संविधान द्वारा या पुलिस द्वारा। तो फ्रेंड्स, बताइए क्या आंसर है, तो इसका आंसर उच्च जातियों द्वारा इसका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं और इनको आप करने में थोड़ा दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 142, चूंकि अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकारी वाले व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, अतः पुलिस प्रशासन एवं जनता को इनके प्रति क्या करना चाहिए, अधिक कठोर होना चाहिए, उनसे मानवीय व्यवहार करना चाहिए, उन्हें निम्न स्तर का नहीं मानना चाहिए या डी उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 142 और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143 जीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 143 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 23। बताइएगा फ्रेंड्स क्या आंसर है 143 का, 143 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 144, अनुच्छेद 15 मैं किस आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, शिक्षा पर, धर्म पर, आर्थिक आर्थिक हैसियत पर या रंग रूप पर। क्वेश्चन नंबर 44, बताइए क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से शांति व्यवस्था की समस्या के लिए कौन अधिक जिम्मेदार होता है, या है बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति या ये तीनों। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर
145 है और इसका आंसर है ये तीनों होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इन एग्ज़ाम इनको आप छोड़कर भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, धर्म के प्रति आपके क्या विचार हैं? हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, इस्लाम धर्म कट्टर है, सभी धर्म का आदर व उनकी अच्छी बातों का अनुकरण या अनुसरण किया जाना चाहिए, या ईसाई धर्म श्रेष्ठ है? क्वेश्चन नंबर 146, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में अल्पसंख्यक वर्ग को देश व समाज के लिए क्या योगदान देना चाहिए? ऑप्शन ए, अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। ऑप्शन बी, सभी का सम्मान व सबसे प्रेम करना चाहिए। ऑप्शन सी, सामाजिक कुरीतियों को बदलना चाहिए। या ऑप्शन डी, सांप्रदायिक सद्भावना व भाईचारा बढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 147 है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 148, तो देखिए क्वेश्चन 148, अल्पसंख्यक माने जाने का आधार है भाषा, धर्म, या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 148 है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला भाषा भी है और धर्म भी है। क्वेश्चन नंबर 149, बहुसंख्यक जनसंख्या को अल्पसंख्यक के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए या करना चाहिए? ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी उत्पीड़न, ऑप्शन सी सौहार्द का, या ऑप्शन डी निरंकुशता का। तो क्वेश्चन नंबर 149 है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का फ्रेंड्स हम 150, वंचितों को किस प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सामाजिक, जो है उनको क्या जो शोषण झेलना पड़ता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और ऐसे मनोवैज्ञानिक क्वेश्चंस जो हैं और भी पड़े हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगी आपको ऑनलाइन फ्री स्टडी पर। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए और उन वीडियोज़ को आप देख पाएँ। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।